दोस्तों बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने न केवल अपनी दमदार अदाकारी से सभी का दिल जीता बल्कि अपने जबरदस्त डांस से सभी को दीवाना बनाया। वैसे तो इंडस्ट्री में इनका कोई आइडल नहीं था पर फिर भी इन्होंने अपने दम पर अलग पहचान बनाई। इतनी सफलता हासिल की कि बड़े से बड़े अभिनेता इनके आगे टिक नहीं पाया। पर एक ऐसी घटना घट गई कि धर्मेंद्र को ये अपना गुरु मानने लगे थे और सनी देओल को छोटा भाई। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इतने सफल अभिनेता धर्मेंद्र को अपना गुरु मानने को तैयार हो गए और सनी को अपना छोटा भाई। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इसी बात की तो जानकारी लाए हैं कि आखिर क्यों मिथुन जैसे सुपरस्टार धर्मेंद्र को अपना गुरु मानने लगे और सनी को छोटा भाई। आगे बढ़ने से पहले मिथुन दा के लिए वीडियो को लाइक तो कर दो। बॉलीवुड इंडस्ट्री के डांसिंग किंग मिथुन चक्रवर्ती ने अपने टैलेंट के दम पर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर ली और सभी लोगों के फेवरेट बन गए। लेकिन एक ऐसी घटना घटी कि मिथुन जैसा सुपरस्टार धर्मेंद्र को अपना गुरु मानने लगा और आज तक मानता है। दरअसल बात उस समय की है जब प्रोड्यूसर हबीब नाडियाडवाला एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था गुलामी, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में मिथुन और धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म की पूरी कहानी राजस्थान के माहौल पर थी, इसलिए इस फिल्म को राजस्थान में शूट करना था और उस समय हबीब के पिताजी का देहांत हो गया था जिस कारण उन्हें भारी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। पर फिल्म की शूटिंग भी जरूरी थी, उसे रोका भी नहीं जा सकता था। और जब ये बात धर्मेंद्र के पास पहुंची तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस फिल्म के लिए वो एक भी पैसा नहीं लेंगे और फ्री में काम करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। इस बात ने मिथुन को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने भी इस फिल्म में फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। इस तरह धर्मेंद्र मिथुन के आइडल बन गए और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मिथुन ने कई फिल्मों में फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया और अपने प्रोड्यूसर की मदद की। कुछ सालों बाद धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने भी इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने करियर को सफल बनाने के लिए स्ट्रगल करने में लगे। उस समय निर्माता राजकुमार संतोषी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था घायल, जिसमें वो मिथुन को लेना चाहते थे और मिथुन भी इस फिल्म को करने के लिए हाँ कर चुके थे। पर धर्मेंद्र को जब पता चला तो राजकुमार संतोषी के पास एक बहुत ही अच्छी फिल्म की कहानी है जिसमें अगर सनी देओल काम करेंगे तो वो उसमें सफल अभिनेता बनकर उभरेंगे, तो इसलिए उन्होंने मिथुन से बात की। अब मिथुन धर्मेंद्र को अपना आइडियल मानते थे इसलिए उनकी बात को मना नहीं कर सके। उन्होंने सनी को अपना छोटा भाई मानकर ये फिल्म उनके नाम कर दी। इस तरह ये फिल्म सनी देओल को मिल गई। उन्होंने अच्छा काम किया और फिल्म के जरिए सनी देओल एक लीड एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में जाने जाने लगे। तभी से सनी देओल और मिथुन एक दूसरे को भाई ही मानते हैं। तो दोस्तों आपने हमारे मिथुन दादा के दिल को कितने अच्छे से जाना। उन्होंने केवल अपने प्रोड्यूसर की मदद करने के लिए फिल्मों में बिना पैसे लिए काम किया और अपने हाथों से सुपरहिट फिल्म सनी देओल के नाम कर दी। इनके जैसा एक्टर इंडस्ट्री में ना तो आया है ना कभी आएगा। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कॉमेंट में जरूर देना और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।